जिनका सिटिंग रूम में रिलैक्स रूम घर में बूढ़े लोग होते थे, वो अपने दोस्तों के साथ में चेस और चौपट खेलते थे। हमारे यहाँ डायनासोर के निशान पाए गए हैं, ये डायनासोर के दांत के निशान है। अच्छा ये, हाँ ये वाले, ये यहाँ का फोर्ट सोनार किला, अंडरग्राउंड के नीचे अंडरग्राउंड है, इसमें ये लोग सोना चांदी छुपा के रखते थे। रियली किचन ये है, इसमें बर्फ नमक डाल के उसको घुमाना पड़ता है, बर्फ के गोले बनते थे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं जैसलमेर की पटवा हवेली, और उसमें मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं करोड़ों साल पुराने डायनासोर के दांत। उसी के साथ मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं जैसलमेर के जो सेठ होते थे वो अपने सोने चांदी यानी कि अपने खजाने को किस जगह छुपाते थे, वो जगह मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर जरूर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ये एस्ट्रोलॉजी वास्तु शास्त्र, शुभ लाभ चौगड़िया मौसम दिशा का ज्ञान इसे पता चलेगा। अच्छा जी, ये तो शायद उसी वक्त के होंगे। जयपुर जंतर मंतर में है, अगर आप गए हो देखा हो जयपुर जंतर मंतर में है एस्ट्रोलॉजी। ये क्लॉक टावर जोधपुर का घंटाघर। अच्छा ये क्रॉस ऐसे एरो क्यों लगा रखा है? किसी के लगे ना सिर के। अच्छा, जिनका सिटिंग रूम है रिलैक्स रूम घर में बूढ़े लोग होते थे वो अपने दोस्तों के साथ में चेस और चौपट खेलते थे, जिसको नहीं खेलना हो आराम से बैठ सकता है सामने। यहाँ पे वो बैठते थे ना? हाँ, करते थे। हाँ, नहीं खेलना वो बैठ सकता है। अच्छा, हाँ, जो नहीं खेलता वो आराम से इधर बैठ सकता है, बैठ सकता है। बाकी खेलने वाले की दो सीट यहाँ पर लगी हुई है। हाँ, और ये बच्चे के लिए पालना। अच्छा, छोटा बच्चे का भी ध्यान रहे। ये यहाँ का फोर्ट सोनार किला, भाटी राजपूतों का विरासत है ये, उत्तर भड़कीवाड़ भाटी। महाराज जैसलदेव ने इस किले की नींव रखी थी 1156 में। ऐसे 99 टावर राउंड देख रहे गोल आकर के, उसको भुर्ज बोलते हैं मारवाड़ी में, भुर्ज। आज इसमें शायद होटल वगैरह है। हाँ, अभी इसमें होटल लोगों ने खोल दिया, रेस्टोरेंट खोल दिया, इसी वजह से हमारे इधर पीला पत्थर निकलता है। जब इसको गोल्डन सिटी बोलते हैं शहर को, सबसे बड़ी खासियत अंदर बाहर पेंट करने की जरूरत नहीं। जी, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर जमीन से निकलता है, फिर स्टोन फैक्ट्री है, वहाँ आती है, डिजाइन बनती है, आपको रेडीमेड चाहिए रेडीमेड चीज मिल जाएगी। किला कितना बड़ा है? 4.5 किलोमीटर के एरिया में पूरा राउंड में। वो शायद गड़ीसर लेक उधर है ना? हाँ, लेक वो झाड़ियाँ देख रहे हो ना? जी, इधर वाली, इधर वाली, ये वाली नहीं, उधर वाली पानी दिख रहा है। हाँ, पानी नहीं दिख रहा है, पीछे ना टंकी के पास में। अच्छा, ये जरोखा देख रहे, इसको हम जरोखा बोलते हैं मारवाड़ी में। अच्छा, पहले हर घर में ऐसे जरोखे लगे हुए थे। इसका डिजाइन काफी शानदार। हाँ, नकाशी का काम देखोगे, आर पार काम किया हुआ है, बहुत माइन काम है, सारा हाथ का काम है। आज के वक्त में जो ये हवेली है किसके अंडर में है? ये राजकोठारी के पास में है, प्राउड प्रॉपर्टी है। आज भी वो जिंदा है, जीवित है? जी हाँ, हवेली के अंडर जोधपुर रहते हैं। अच्छा, जोधपुर में रहते हैं, आते हैं यहाँ पर? हाँ आते ना, ये बेसमेंट है, अंडरग्राउंड है। अच्छा, नीचे? जी, अंडरग्राउंड के नीचे अंडरग्राउंड है, इसमें ये लोग सोना चांदी छुपा के रखते थे। अच्छा, सोना चांदी यहाँ छुपा के रखते थे। कुर्ता मिल जाएगा। रियली किचन ये है, ऊपर आपने किचन देखा था, स्टोर किया हुआ है।
रियल ये है। हाँ आइसक्रीम मेकर, आइसक्रीम बनाने के लिए साइड में बर्फ नमक डाल के उसको घुमाना पड़ता है, अच्छा बर्फ के गोले बन देते। ये बड़ी बड़ी पराते देखो, इसमें लोग खाना खाते थे, बनाते थे। ये सारा तो उसी वक्त का सामान होगा, हाँ सब पुराना सामान है, नया ये नहीं है। लालटेन भी रखा हुआ है इधर। ये रिद्धि पेपर मिट्टी का बना हुआ है, आज के जमाने के युवाओं को पता नहीं है कि किस चीज का बना हुआ है। ये अच्छा, रिद्धि पेपर और मिट्टी से बनते थे उस जमाने में। आज तो नहीं बनते हैं ऐसी चीजें। हाँ आज की युवाओं को मालूम ही नहीं है क्या चीज है। ये फॉसिल स्टोन है, जीवाश्म पत्थर है। 12 से 18 करोड़ साल पहले हमारे यहाँ समुद्र था, डेजर्ट में, रेगिस्तान में। तो समुद्र सूख गया, पेड़ पौधे जीव जंतु थे, कोई लकड़ी बन गया, कोई पत्थर बन गया, उसके अवशेष है ये। और ये जो अलग रखा हुआ है इधर, ये पेड़ों की जड़ें हैं, ये है फॉसिल। हमारे यहाँ डायनासोर के निशान पाए गए हैं, ये डायनासोर के दांत के निशान है। चाहिए हाँ ये वाले जो तो पत्थर बन गए, डायनासोर के दांत। इसका ले लेना। हमारे यहाँ जितने भी आप मकान देखोगे, हवेली देखोगे, मेन गेट से आपको पूरा ओपन देखने को नहीं मिलेगा। हमारे इधर क्या पर्दा सिस्टम है, गेस्ट लोग आते थे उनके लिए रूम अलग, सीढ़ी अलग। घर में लेडीज होती थी उनके लिए रूम अलग, सीढ़ी अलग। और मुनीम लोग आते थे घर के अंदर, उनके लिए रूम अलग और सीढ़ी अलग होती थी। एक बिल्डिंग में 3 सीढ़ी है। अच्छा गेस्ट लोग आते थे अलग, लेडीज के लिए अलग और मुनीम लोगों के लिए अलग। अच्छा, घर में अलग अलग प्रवेश होता था। चलिए यहाँ से दिखाओ, पूरा ओपन अंदर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ से दिखाओ, पूरा ओपन देखने को नहीं मिलेगा। ये एक नंबर हवेली यहाँ तक है। अच्छा यहाँ तक, यहाँ तक है। अब इससे आगे, इससे आगे ये 2 नंबर है। अच्छा ये, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, 4 नंबर है, जिसमें एक परिवार अभी भी इनका रहता है। अच्छा, जैन लोगों बंद का क्यों रखी है? जी ये बंद क्यों रखकर रखी है? एम्प्टी है, खाली है अंदर से। अच्छा, इनमें नहीं है कुछ भी? हाँ इसमें 3 और 4 में आज भी इनका एक परिवार रहता है, जैन लोगों का, जो हवेली के ऑनर थे, उनकी सातवीं पीढ़ी रह रही है। महेंद्र भाई बाफना नाम है उनका। अच्छा, इसमें रहते हैं? इसमें रहते हैं। ये लास्ट 5 नंबर है, राजस्थान गवर्नमेंट के पास में है, एम्प्टी है। अंदर से देखना हो, खाली कमरे देखने को मिलेगा आपको, जी घूम सकते हो। 50 रुपये टिकट है इसमें देखने के लिए। यहाँ तक हवेली है। इसमें इसमें क्या है अंदर? इसमें खाली कमरे हैं बस। हाँ अंदर सामान नहीं है। और ये लास्ट 5 नंबर है यहाँ तक। ये कैसर हवेली है, 93 में बिल्डिंग बना हुआ है। हवेली का 2 कॉपी है, वहां से आप देखिए, वहां से वहां जाइए। नाइन्टी थ्री में बिल्डिंग बना हुआ है, आज भी ऐसा काम होता है हमारे शहर में। कारीगरी काम पे हाँ, ये सब प्राइवेट मकान है, लोगों की फैमिली रहती इधर है। ये जो हाँ सब प्राइवेट मकान है। अच्छी और क्या काम देखो ना इसका, तो कुछ भी नहीं है इसके आगे, कुछ भी नहीं है। हाँ देखो ना, अपने आंखों से देख रहे ना, कोई तो ऐसा है नहीं। हाँ
यहाँ से टिकट ले लो, आर्मी में तो नहीं हो, आर्मी में कोशिश पे अदरवाइज ये हवेली का मेन गेट है, यहाँ से आपका पूरा विजिट होगा हवेली का। इसको जरूर का बोलते, देख रहे हो आर पार काम किया हुआ है। ये सब ऑर्नामेंट डिजाइन, जो राजस्थान लेडीज ऑर्नामेंट पहनती है ना, गले में, कानों में, पैरों में, सब ऑर्नामेंट डिजाइन है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों आगे मिलेंगे आपको ऐसी किसी और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।